अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आपके लिए एक नई रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है और पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मज़े के साथ शौक के साथ खाई जाती है। हम बनाने जा रहे हैं चिकन शनवारी, जिसके लिए हमने लिए चिकन, टमाटर, दही, सब्ज मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा हमने पीस लिया है, काली मिर्च, अदरक, नमक, और आप घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे, थोड़ा इसको गर्म करके इसमें ऐड करेंगे अदरक। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें अदरक ऐड कर रहा हूँ। ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और अदरक को थोड़ा सा भूनेंगे। अब ऐड कर लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ऐड कर लेंगे चिकन जो हमने धो के साफ कर लिया है। मैं तकरीबन मैं आधा किलो चिकन ले रहा हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चिकन को सही से हम फ्राई करेंगे। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। मसाला आप देख सकते हैं, चिकन का कलर भी गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। सही से हमारी चिकन पक चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप जितने पतले काटेंगे उतने जल्दी ये गल जाएंगे। उसमें हमने बिल्कुल प्याज नहीं ऐड किया। अब अच्छे से टमाटर को मिक्स करेंगे। अब ढक्कन देखिए, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम हल्की आंच पर रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। दोस्तों, मैं आधा कप तकरीबन इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसको ये देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने मसाले इसमें डालने हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। आधे चम्मच से ज़्यादा थोड़ा काली मिर्चें हैं। थोड़ी सी
आधी चम्मच से भी कम हम उसमें थोड़ी सी कलर के लिए लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये आप चाहे तो ऐड करें, अगर आप अपनी ऐड करना चाहते हैं तो ना करें। और थोड़ी सी सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे, सही से मिक्स करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच हम एक चम्मच फुल भर के ऐड करें सूखी धनिया पीसी हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला साइडों से उतार लेंगे। मसाले को तकरीबन 2 मिनट तक पका के इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दोस्तों मसाले पक चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 प्याली दही की। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, आप चाहें तो कम भी से कर सकते हैं। अब ढक्कन दे के तकरीबन हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक पका लेंगे। माशाल्लाह दही भी हमारी खुश्क हो चुकी है, आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बकाया सब्ज मिर्च। अदरक और थोड़ी सी सब्ज धनिया मिक्स करेंगे। चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। आपको पता है कि ये होटलों में बहुत ही महंगी मिलती है, और आजकल तो वैसे भी होटलों में बंदा जा ही नहीं सकता, हालात ऐसे हैं। आप घर में ज़रूर इसको ट्राई करें। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर ऐड करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह हमारी चिकन शनवारी बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी।